हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप कि सभी लोग मज़े में होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चों सबसे पहले हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाए, है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, सिलेबस कम्प्लीट कर लें। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बच्चों जो कुछ दिन बचेगा, मतलब अगस्त बचेगा, उसमें हम लोग क्या कर लें, फुल टू रिवीजन कर लें, फुल टू अपने मॉक टेस्ट दे दें। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे देंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा बच्चों। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी की तरफ से बच्चों आप सबके लिए खास तौर पर NDA फर्स्ट 2024 का जो पेपर इस साल अप्रैल में हुआ था, उसी कंप्लीट पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये साइंस की हो रही है सर, नहीं, ये मैथ्स की भी होगी, जीके की भी होगी, सभी सब्जेक्ट की होगी, इवन प्रीवियस ईयर की भी होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग पिछला पेपर देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो UPSC हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, सब में कहीं ना कहीं पिछले पेपर का झलक देखने को मिलती है। मतलब समझ रहे हो, जो हमारा अप्रैल का पेपर हुआ था, कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते टॉपिक हमारे सितंबर में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या, उसका कॉन्सेप्ट उठा के सितंबर वाले में डाल देंगे। भैया मुझे कहा गया कि सर आप एक पेपर सेटअप करो सितंबर में NDA एग्जाम के लिए, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन उठा के नहीं डाल दूंगा, पहले मैं पिछला पेपर एनालाइज करूंगा कि NDA में क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं, फ्रेम कैसा क्वेश्चन हो रहा है। तो पिछले पेपर को जब मैं देखूंगा, क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, क्वेश्चंस को रिव्यू करूंगा, तब मुझे पता चलेगा ठीक है इस क्वेश्चन में इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो क्यों ना इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं और नए क्वेश्चन को डालते हैं। फिलहाल बच्चों मैं विवेक मिश्रा, सेंचुरी डिफेंस अकेडमी साइंस फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सेंचुरी डिफेंस अकेडमी की पूरी टीम से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अभी से मैं दे रहा हूं 1 महीने पहले से कि आप सबका ये साल बहुत ही शुभ हो, क्यों, आपका रिटन एग्जाम निकल जाए। फिलहाल बच्चों हम लोग आज की क्लास में NDA फर्स्ट 2024 का साइंस का सबसे पहले फिजिक्स पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके साथ बायो का भी पेपर डिस्कस होगा, केमिस्ट्री का भी पेपर डिस्कस होगा, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग सेट ए डिस्कस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन, 25, कितने नंबर, 100 नंबर, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करें कि ना करें, जल्दी से बता दो भैया। और जितने लोग ये वीडियो देखोगे, जितने वीडियो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई डिमांड होती है आप लोगों की इन फ्यूचर की, सर ये वीडियो होनी चाहिए, साइंस का एक मैराथन क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम लोग उसको अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारे पास है, एक क्वेश्चन आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का नो डाउट वेटेज तो ज्यादा है ना, कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मान के चलिए, 6 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जा रहे हैं इस बार। 6 क्वेश्चन मतलब कितना नंबर, 24 नंबर। ऑप्टिक्स को पीछे कर दिया भैया इसने, ऑप्टिक्स का वेटेज हमेशा ज्यादा होता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी ने ऑप्टिक्स को वेटेज कर दिया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के ला रहा है। चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सर्किट है, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर्किट जो है बच्चों वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों, कि हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि सर्किट अपने आप को रिपीट कहाँ से कर रही है, सर्किट अपने आप को दोहरा कहाँ से रही है। जहाँ से रिपीट कर रही है वहीं से उसको रोक दो और उसके बाद का पूरा रेजिस्टेंस एक्स मान लो, या आपकी मर्जी जो कुछ मानना है मान लो यार, मानना ही तो है। तो यहाँ पे बच्चों मैं इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ और पीछे की पूरी सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान रहा हूं, एक्स ओम मान रहा हूं। अब मेरे पास जो सर्किट डायग्राम आया वो कैसा सर्किट डायग्राम आएगा, तो मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं नया सर्किट डायग्राम। अब बच्चों मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मेरे पास एक आर ओम का रजिस्टर है, फिर एक आर ओम का रजिस्टर है, और यहां पे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट मेरे लिए बी हो गया, और पीछे की पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, एक्स ओम मान लिया। सर ये कैसे आया, ये बच्चों ऐसे आया क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे की पूरी सर्किट जस्ट रिपीट हो रही थी, तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, एक्स ओम मान लिया। अब जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये आर ओम और एक्स ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, आर ओम और एक्स ओम आपस में कैसे हैं,
पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, हम उसको सॉल्व कर लेंगे और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो उसके साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो बच्चों हमारे पास अब ए और बी के बीच में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा डायग्राम बनेगा, आर ओम रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये कितना हो जाएगा एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, और इधर हमने ले लिया ए और बी का पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, ये बताओ इसके पीछे की पूरी रजिस्टर, पूरा टोटल रजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया था, एक्स ओम माना, टोटल रजिस्टर कितना माना, एक्स ओम माना। अब एक्स ओम में बच्चों अगर मैं आर और आर को अगर जोड़ भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा यार, क्या ही फर्क पड़ेगा, इंफिनिटी तक का रेजिस्टेंस एक्स ओम है, दो रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में जोड़ भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो मैं ए और बी का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूं, एक्स ओम मान लेता हूं, एक्स ओम। अब इस सर्किट को बच्चों बस हमें सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे बेटा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये दोनों सीरीज में है तो आर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, ये हमारे पास आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट हमने कितना माना, एक्स ओम इक्वल टू आर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चों क्वेश्चन में आपको यहां पे आर की वैल्यू भी दी गई है, कितनी, 4 ओम दी है। मैं इसको हटा दूं, इस डायग्राम को रब कर दूं, ठीक है, इस डायग्राम को मैंने रब कर दिया ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू फोर प्लस फोर एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स, यही होगा बेटा, यही होगा बच्चों, कंफर्म। अब क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x plus x square plus 16 plus 4x 16 equal to 16 plus 4x plus 4x, यही होगा। ये कितना हो जाएगा 8x, 8x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, और 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x square माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो हमें यहाँ पे श्रीधराचार्य रूल लगा के इसके फैक्टर करने होंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, फैक्टर कर लोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कर लोगे बेटा, हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बच्चों हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 5, ये x की वैल्यू आएगी। अब ऑप्शन में आप देख रहे हो हमारे पास जो ऑप्शन है ये 2 प्लस 2 रूट 5 है और एक है 2 माइनस 2 रूट 5, 2 माइनस 2 रूट 5। अब यहां पे बेटा हमें एक चीज का ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जब नेगेटिव नहीं होता तो मेरे लिए सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 5 हमारे लिए बच्चों आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोलो, बात समझ में आई, बात समझ आई। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये वाला रेजिस्टेंस तो नहीं लिया। बेटा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने इसके बाद की सर्किट क्या मान ली कि ये अपने आप को रिपीट कर रही है, पूरी सर्किट को x मान लो, उसके बाद जो नया कॉम्बिनेशन है जो जिस तरह जुड़ रहा है उसको ऐड कर दो और ए बी के भी इक्विवेलेंट जो है वो एक्स ओम मान लो, बस उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर हो रहे हैं तो जस्ट फैक्टर कर दो, नहीं हो रहे हैं तो श्रीधराचार्य रूल लगा दो, वहां से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। सभी को बात समझ में आई, अगर बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 है। अब ये मत बोलना सर अभी तो क्वेश्चन नंबर सेकंड चला, क्वेश्चन नंबर 52 आ गया कैसे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर वही हमने लिया है जो सेट ए में क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन 52 था सेट ए में वही हमने लिया है, सीरीज वाइज नहीं लिया हमने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कल को आप पेपर उठा के देखें, वीडियो देखें तो आपको सीधे 52 में आपको ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा पढ़ो, क्वेश्चन को जरा पढ़ो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक सर्किट दी गई है, वी वन वोल्टेज दिया गया, वी वन कितना है 1 वोल्ट, आर हमारे पास कितना है 1000 ओम, V2 हमारे पास कितना है, V2 कहां दिख रहा है 5 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 5 वोल्ट, और बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल का कितना दिया गया है 0.1 ओम। अब हमसे पूछा जा रहा है R की वैल्यू बताओ, इस R की वैल्यू बताओ, आसान क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, कैसे करेंगे हम, है ना, हम बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आया, तो यहां पे सबसे पहले गिवन डेटा लिख लें, गिवन डेटा लिख लें,
तो गिवन डेटा हमारे पास कितना है, V1 कितना है बेटा 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, V2 कितना है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? बच्चों बैटरी के अंदर वाले रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक बाहर का रेजिस्टेंस होता है जैसे पंखा, कूलर, एसी, ये बाहर का रेजिस्टेंस है। इसी तरह सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। सेल क्या सुपर कंडक्टर थोड़ी ना होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहां पे दोनों सेल हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहां पे मैं सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालूंगा। आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा बेटा, जगह की कमी है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं। आर इक्विवेलेंट अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा तो आर इक्विवेलेंट होगा 0.1 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 ओम। हाँ या ना, जल्दी से देखो यहां तक 0.05 ओम। इसके बाद बच्चों हम लोग यहां पे ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। सिंपल है यार बच्चों, सिंपल है। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब सर ये ई कहां से आ गया, हमें तो क्वेश्चन में वी दिया था बेटा। ई और वी बोथ आर सेम व्हेन सर्किट आर क्लोज, जब सर्किट क्लोज होती है तो हम वोल्टेज को ईएमएफ बोल सकते हैं। फिलहाल ये बोलना गलत है, अगर सर्किट ओपन होती है तभी हम ईएमएफ बोलते हैं, सर्किट क्लोज होती है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पर हम समझने के लिए लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहां पे E1 हमारे पास कितना है 1, E2 कितना है 5, R1 R2 हमें पता है 0.1। वैल्यू पुट करो बच्चों जल्दी से, 1 अपॉन 0.1 प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 60 आ जाएगा। तो यहां से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया 60, पर हमें बेटा E इक्विवेलेंट निकालना था, E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 60 × R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, कितना हमने निकाला 0.05। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा लगभग लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा, 3 वोल्ट। जल्दी से देखो यहां तक हमने क्या किया, फिर से एक बार समझो। हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, सबसे पहले हमने उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया 0.1 अपॉन 2, दो सेल थे तो 0.1 अपॉन 2 कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट करके E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। यहां से हमें ई इक्विवेलेंट मिल गया कितना 3 वोल्ट। अब हमसे बच्चों यहां पे क्या पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा था ना, आर आर की पूछा जा रहा था कि करंट पूछी जा रही थी बच्चों, क्या पूछा जा रहा था जल्दी बोलो, क्या पूछा जा रहा था हमें क्या पूछा जा रहा था बेटा, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट पूछी जा रही है। तो करंट किसके बराबर होती है, कुछ हटा दें कुछ मिटा दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, मैं इस तरफ का पोर्शन बेटा हटा दे रहा हूं, है ना, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, आप लोग देख लीजिएगा। करंट बच्चों किसके बराबर होता है, वी बाई आर। तो क्या मैं वी को ई लिख सकता हूं, हाँ। अब यहां पे सिर्फ R नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो मैं R प्लस स्मॉल R भी लिखूंगा, हाँ कि ना, ठीक है। अब सारे वैल्यू पुट कर दो, EMF हमारे पास यहां पे कितना है 3 वोल्ट, EMF कितना आया था 3 आया था ना, 60 को जब हमने 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। कैपिटल R हमें 1000 दिया गया है, स्मॉल R हमें पता है 0.05, 3 अपॉन 1000 प्लस 0.05। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो लगभग लगभग आपका आंसर 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। अब सुनो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो टफ था, बिल्कुल माना, बिल्कुल माना क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल था, पर बेटा एग्जाम में एक चीज का ध्यान देना, अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं चाहे वो साइंस सेक्शन हो चाहे वो मैथ सेक्शन हो, तो एग्जाम में बहादुरी ये नहीं होती कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँ, एग्जाम में बहादुरी ये भी होती है, होशियारी ये भी होती है कि कौन सा क्वेश्चन मैं स्किप करूँ, बात समझ में आ रही है, कौन सा क्वेश्चन मैं स्किप करूँ। मुझे वाकई में पता है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं फंस सकता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा समय ले लेगा, मेरे बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट चूक सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दूँ, पेपर पूरा कंप्लीट करूँ फिर दोबारा आऊँ,
अब इसी में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो हो सकता है एंड मोमेंट पे मेरे पास कुछ ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थे जो बहुत इजी थे, जो मैं कर सकता था, पर अब टाइम नहीं बचा तो अब कहाँ से करूँगा। तो अगर कहीं पे भी फंसते हो, कहीं पे भी स्टक होते हो कि लग रहा है कि हाँ हो जाएगा पर समय लगेगा, तो रुक जाना, उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, पेपर सॉल्व करना, पेपर के एंड जब हो जाए दोबारा उस क्वेश्चन पे आओ, उसको मार्कअप कर लो, हाईलाइट कर लो, फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करना। ये स्ट्रेटेजी होती है, ये नहीं कि क्वेश्चन देखे नहीं हो रहा है, अरे यार अब तो इसको करके मैं साबित करूंगा। किसे साबित करना है? किसी को भी नहीं साबित करना है, खुद को करना है। बात समझ आ रही है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करो, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पे क्या दिया गया बच्चों, करंट कितनी है? करंट कितनी है? 15 एम्पियर। मशीन कितनी देर के लिए चल रहा है? 10 मिनट के लिए चल रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चार्ज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चार्ज पूछा जा रहा है। तो बच्चों चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। अब Q हमें निकालना है, I हमें दिया गया है कितना,